तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करूंगा। बैकग्राउंड चेंज होने के बाद दिखेगा। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारा विंटर सीजन का जो अभी चल रहा है उस वाले इफेक्ट में दिया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप पिक्सेट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सेट में ऐड कर देना। ऐड हो जाने के बाद गाइस, सिंपल से स्क्रॉल करके ऐड वाले फोटो पे चले आना। ऐड वाले फोटो को आने के बाद गाइस, एक पीएनजी यहाँ पर लगा लेना, जो मैं लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो भी पीएनजी यूज़ करूँगा वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहीं से जाके डाउनलोड कर लेना। तो इसे सिंपल से इसे जूम करके गाइस अच्छे तरीके से लगा लेना, उसको छोड़ देना। इतना हो जाने के बाद गाइस, फिर से ऐड वाले फोटो पे चले आना। ऐड वाले फोटो पे आने के बाद आपका जो मॉडल का पीएनजी है वो वाला पीएनजी आपको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा, जैसे कि मेरा ये वाला पीएनजी है। तो गाइस, आप देख सकते हो मेरा ये वाला पीएनजी का बैकग्राउंड मैं पहले से इरेज करके रखा हूँ। तो आप अगर इरेज करना, बैकग्राउंड इरेज करना नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहीं से जाके देख लेना, आप पूरा जान जाओ। तो गाइस, इस फोटो को आप अच्छी तरह से ऐसे लगा लेना। ऐसे लगा लेने के बाद गाइस, आपको इसे छोड़ देना है, फिर से ऐड वाले फोटो पे चले जाना है। ऐड वाले फोटो पे आने के बाद गाइस, आपको एक स्टोन वाली पार्टिकल को वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये पार्टिकल आने के बाद गाइस, सिंपल से इसे जूम कर देना, करीब इतना एकदम फुल कर देना। फुल करने के बाद गाइस, सिंपल से स्क्रॉल कर देना और ब्लेंडिंग पे चले आना। ब्लेंडिंग पे आने के बाद इसको स्क्रीन पे कर देना। बस इतना करने के बाद गाइस, आपको साइड में एक इरेज वाला आइकन देगा, तो इरेज वाला आइकन पे क्लिक कर देना सिंपल से, और इरेज पे क्लिक कर देना। फिर आप गाइस, आपका जो फेस के ऊपर है वो ऐसे ऐसे करके इरेज कर देना गाइस। तो हमारा फोटो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो गाइस, मैं इसे कर देता हूँ, तो उसे मैं कर दिया गाइस। उसके बाद गाइस, इसको ऐसे डन कर देना। डन करने के बाद इसको भी ऐसे डन कर देना। तो गाइस, आप देख सकते हो फोटो हमारा बहुत ही अच्छा बना है। तो अभी इस फोटो को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा और लाइट रूम में ले जाना पड़ेगा। तो मैं इस फोटो को इससे डाउनलोड कर लेता हूँ। आप जिस फोटो को अभी पिक्सआर्ट से डाउनलोड किया है उस फोटो को अभी शेयर करके लाइट रूम में ले जाना। तो सीधा मैं लाइट रूम में क्लिक कर देता हूँ। लाइट रूम में आने के बाद फोटो कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके बाद आप सीधा लाइट वाला ऑप्शन पर चले जाना। लाइट वाला ऑप्शन पर आने के बाद एक्सपोजर को हल्का इंक्रीज कर देना, और हाईलाइट को थोड़ा डिक्रीज कर देना, और शेडो को हल्का फुल इंक्रीज कर देना। इतना ये अपने फोटो के हिसाब से रख लेना गाइस। उसके बाद कलर वाला ऑप्शन पे चले जाना। कलर वाला ऑप्शन पर आने के बाद वाइब्रेशन को इंक्रीज कर देना। उसके बाद कलर ग्रेडियंट पे चले जाना। कलर ग्रेडियंट पे आने के बाद गाइस, येलो कलर को सिलेक्ट कर लेना और इसको इतना कर देना करीब, और इसका कलर को सिलेक्ट कर लेना। इसका कलर को सिलेक्ट करने के बाद गाइस, इसको इतना कर देना और इसको इतना, फिर पर्पल कलर को सेट करना है, फिर इसको इतना इतना कर लेना गाइस। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो गाइस, ऑरेंज वाले कलर पे चले आना। ऑरेंज वाले कलर पे आने के बाद इसकी लुमिनस को इंक्रीज कर देना, ताकि हमारा जो फेस है एकदम वाइट दिखे। तो मैं इतना कर देता हूँ। उसके बाद सैचुरेशन को करीब इतना रख देता हूँ। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद इसको यहाँ से डन कर दिया। डन करने के बाद गाइस, नेक्स्ट टूल पे चले आना। नेक्स्ट टूल पे आने के बाद इसकी क्लैरिटी को हल्का इंक्रीज कर देना करीब 30 के आसपास, और विगनेट को हल्का इंक्रीज कर देना करीब इतना, और विगनेट को अपनी फ़ोटो के हिसाब से रख लेना। तो मैं करीब इतना रख लेता हूँ। उसके बाद गाइस, इस फोटो को शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सीधा अपने फ़ोन पे सिलेक्ट कर देना।